तो आगे इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपके बीच में इनवाइट करना चाहेंगे एक ऐसे ट्रेनर, एक ऐसे शानदार पर्सनालिटी जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, न्यूट्री चार्ज के ऑल टाइम डायरेक्टर श्रीमान अरविंद साकी सर को इन्वाइट करना चाहेंगे। सर आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर, आपका स्वागत है आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, आप जितने साथी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत। 7 अप्रैल 2023 का दिन है आज का, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये वर्ष है 2023-2024, जो भी आपको रजत सर ने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर, साथियों फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोचते होंगे कि सर क्या बात है कि अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर क्यों माना जाता है और मार्च तक ये साल चलता है जहां पूरा जो है हमारे सब लोगों की इनकम का हिसाब सरकार लेती है हमसे कि हम साल भर में कितना कमाते हैं, चाहे वो कंपनी हो या आप पर्सनल लेवल पर हो। फाइनेंशियल ईयर के कई सिस्टम के हिसाब से बहुत मायने रखते हैं। हर कंपनी अपना एक लक्ष्य बना के चलती है कि हमें अगले साल जो है वो कुछ बेहतर प्रदर्शन करना है। और आप सब लोगों ने भी जो 2022 और 2023 का वर्ष गया, तो आप सब लोगों ने भी अपने कुछ से कुछ बेहतर लक्ष्य इस साल के लिए बनाए होंगे। और साथियों, लक्ष्य का मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि वो हमारे जो है वो फाइनेंशियल गोल हो, हमारे बहुत सारे ऐसे गोल भी हो सकते हैं जो जीवन में हमारे लिए बदलाव ला सकते हैं। वो चाहे हमारा हेल्थ को लेके हमारा गोल हो सकता है, वो जीवन में कुछ बेहतर परिवर्तन करने का गोल हो सकता है, और निश्चित रूप से इनकम के ऊपर जाना तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है। क्योंकि हम सब लोग जो इस प्रोग्राम को आज अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोग जो है अपने वयस्क जीवन का अभी आनंद ले रहे हैं। वयस्क मतलब होता है कि हम 18 साल के ऊपर हैं, तभी आप लोग आरसीएम परिवार के साथ जुड़ पाए। 18 साल के ऊपर के होने के बाद आपको आरसीएम की जो आईडी मिलती है। एडल्ट होने का मतलब होता है कि हम अपने जो भी काम करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मतलब जिम्मेदार का मतलब होता है कि अब हमें सूझबूझ है, हम कोई चीज को देख के निर्णय कर सकते हैं। तो साथियों, इस दशा में हमारे पास में एक जिम्मेदारी और बन जाती है कि हम जो भी अपने जीवन में इसके पहले कर चुके हैं 18 साल के पहले, वो चाहे हम लोगों ने एजुकेशन में किया हो, चाहे और किसी कार्य क्षेत्र में हमने काम किया, लेकिन अब हम सब लोगों को मिलके अपने जीवन में जो बदलाव लाना है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल, या फाइनेंशियल गोल की बात करें या जिसको बोलें कि हम एक कमाई के जरिए को भी अपने जो है नजरिए में इस बार रखें कि हम सब लोग मिलके इस वर्ष को अपना सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। और साथियों, ऐसा नहीं कि हमने पिछले साल बेहतर नहीं किया, हम सब लोगों ने बेहतर किया। देखिए, एक मैं आपको हमेशा बोलता हूं, शायद पिछली बार भी आप सब लोगों के प्रोग्राम में जब आया था मैंने बताया था कि हर एक विद्यार्थी जो होता है वो अपने जीवन में चाहता है कि उसको नेक्स्ट क्लास में जाने का मौका मिले। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है पीछे 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो वो सोचता है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में चले जाऊं, 9th स्टैंडर्ड वाला बच्चा सोचता है मैं 11th स्टैंडर्ड में चले जाऊं। तो देखिए, हर व्यक्ति जो है वो अपनी छलांग लगाना चाहता है, वो एजुकेशन का सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, अपने पर्सनल गोल हैं, हेल्थ के गोल हैं। तो हम सब लोग कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और आप सब लोगों को आरसीएम के रूप में जो है एक ऐसा संस्था मिली है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जो आपके जीवन में ये सारे बदलाव करने में बहुत सक्षम है। और ये यूईएस के माध्यम से आप सब लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है, देखिए यहाँ पर आपको न केवल बहुत भारत के जो है शानदार लीडर्स से बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखने को मौका मिलता है, आपको एक अच्छी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मिलता है जहां जिंदगी में बदलाव लाने के साथ साथ आप अपनी इनकम में बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझें। आप में से कई साथी आज इस प्रोग्राम को जो अटेंड कर रहे हैं, शायद बहुत ऐसे साथी भी होंगे जिन्होंने पहली बार आरसीएम का जो है वो ज्वाइनिंग किया होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करी होगी। तो आप सब लोगों को ये जो मंच मिलता है, जो आपको यूएस के प्लेटफॉर्म की तरफ से मिला है, ये प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सब भारत से अलग अलग कोने से जुड़ते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन जो है वो काफी हद तक आप लोग ला सकते हैं। चाहे वो आपका इनकम का लेवल हो, चाहे वो आपका सेल्फ के ऊपर का कोई टारगेट रखा हो आपने काम करने का, अपनी हेल्थ के गोल का टारगेट रखा हो, या आपको इस सिस्टम में प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, लीडरशिप की जानकारी लेनी है, और भी आपको जो जीवन में बेहतर परिवर्तन करना है उसके लिए मंच आप सब लोगों के लिए बनाया गया है। तो पूरी की पूरी यूएस टीम को मैं बधाई देता हूं कि उनके माध्यम से आप जैसे शानदार लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है, और एज यूजुअल बहुत अच्छा जो है संचालन करते हैं रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम की कमान संभाले हुए हैं, इसी प्रकार से योगदान बना के रखिए, और आप जो है इस परिवार की जो है भविष्य की पीढ़ी है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी और भी है, क्योंकि अब बदलाव का दौर जब आएगा तो निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की जरूरत आरसीएम परिवार में पड़ेगी, और आप जैसे लोग ही अब इस आरसीएम बिजनेस को नई दिशा नई ऊर्जा की तरफ ले जाएंगे। तो सभी युवा साथियों का, सभी हमारे पुराने एसोसिएट बैर जो हमारे साथ में कई सालों से काम कर रहे हैं, सभी लीडर्स हमारे जो रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, जितने भी हमारे साथिया जुड़े हैं, हमारे जो नए साथिया जुड़े हैं, आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे न्यूट्रीचार्ज परिवार की तरफ से, आरसीएम परिवार की तरफ से। और साथियों, आप सब लोग मिलकर जो है अपने इस फाइनेंशियल ईयर को, देखिए कैलेंडर जो होता है वो जो जनवरी से बदलता है वो अंग्रेजी का हिसाब है, यानी इंग्लिश सिस्टम क्या बोलता है वो विदेशों में क्या है कि भाई उन्होंने तारीख को कैसा बनाया है, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर को एक साल माना जाता है। और जितनी भी विदेश की जो कंपनी होती है, आप जो विदेशी कंपनियों के नाम सुनते हैं, वो सारी कंपनियों का जो अकाउंट होता है वो जनवरी से दिसंबर में चलता है। हमारे देश में अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो अप्रैल से मार्च तक माना जाता है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, मार्च में इम्तिहान भी खत्म होते हैं,
और अप्रैल से एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ जो है हम एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अपनी प्लानिंग को लेकर चलते हैं। तो आप सब लोगों को फिर से जो है एक नई उत्साह और ऊर्जा के साथ आप सब लोग अप्रैल के माह 2023 से मार्च 2024 तक का साल अपना सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने अपने निजी गोल जो आपने लिए हैं उन सब लोगों को आप लोग जो है पूरी तरह से करने की कोशिश करें। और साथ ही उस सब चीजों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है अपने आप पे भरोसा। देखिए कहीं ना कहीं हम सब लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम अंदर से थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं, कई बार हमको कोई एक ताकत की जरूरत पड़ती है। लेकिन साथियों हम सब लोगों को एक बात को मानना पड़ेगा कि भरोसा कोई काम को करने का, लक्ष्यों को हासिल करने का, कोई चीज में आगे बढ़ने का, वो हमारे अंदर से ही आ सकता है। हम जिसको भी मानते हैं, हम चाहे वो हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी हम जिसको ऊपर वाले की तरफ देख के हम जब दुआएं मांगते हैं, हम एक भरोसे की उम्मीद करते हैं कि हमें वो ताकत दे। लेकिन साथियों उस भरोसे के साथ साथ आपको एक अंदर के इंसान को भी जगाना है, अपने अंदर के भरोसे को जो है वो विश्वास के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा आपको लेनी है कि आप कुछ इस बार अच्छा कर पाएंगे। इंसान के जीवन में साथियों तीन भाव होते हैं, देखिए बात को समझिए। पहला है कि हम खुशी मनाते हैं, दूसरा भाव होता है हमारा दुख मनाते हैं, और तीसरा भाव है हमारा भय का, डर का। और साथियों हम सब लोग इस वर्ष में ये जो हमारे तीनों भाव हैं इसमें जो डर का भाव है जो हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, इस डर के भाव को हमको निकालना है। डर आगे बढ़ने का, डर सफलता का, डर असफलता का, डर किसी से बात करने का, डर अपने जीवन में कोई बड़े टारगेट को लेने का। देखिए डर जो है हम सब लोगों को अपने अंदर जो है वो सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर आपके जीवन में है तो वो डर है। साथियों आप सब लोग मिलके देखिए कल का पर्व जो था वो, मैं यहाँ कोई धर्म या कोई जाति प्रधान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल का दिन था साथियों जिसे जो है पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई गई। साथियों क्या चीज हम सब लोग जो है अपने जीवन में हमारे गुरुओं से, हमारे ऊपर के ईश्वर से, हमारे पिता माता से या हमारे बड़े लोगों से हम लोग क्या सीखते हैं? और वो ये सीखते हैं साथियों कि जीवन में जिन्होंने अपनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, कल जैसे हनुमान जयंती का जब मैंने नाम लिया तो क्या है भाई, आज अगर विकट रूप की बात करें, विकराल रूप की बात करें, तो आज अंदर का भय निकाल के उन्होंने जिस प्रकार की सफलता हासिल करी, चाहे वो लंका की जीत हो, चाहे वो समुद्र पार करके जाना हो, चाहे वो राह में आने वाली अड़चने हैं, उन सबसे अगर हम सब लोगों को आगे बढ़ना है तो मन का जो भय है जो हमको सफल बनाने की तरफ आगे बढ़ता है, बढ़ने से रोकता है, उस भय को हम सब लोगों को निकालना है। और साथियों मैं आप सब लोगों को एक बार फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा कि इस वर्ष अपने अंदर वो ताकत, वो ऊर्जा, वो प्रभाव पैदा कीजिए कि जो आपको आगे बढ़ने से कभी रोक ना पाए। आप सब लोगों की सफलता में कोई भी रुकावट ना आए। आप जिसको मानते हैं, आप जिसके अंदर विश्वास करते हैं उस पर विश्वास कीजिए, अपने अंदर बैठे हुए इंसान पर विश्वास कीजिए, और अपनी तरक्की में जो आपकी बाधाएं हैं उनको इस बार हटा के एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ इस वर्ष काम कीजिए। और उसके लिए आप सब लोगों को इस वित्तीय वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अंदर के अंदर वो ताकत पैदा कीजिए कि सब उनके सब लोग मिलके कुछ बेहतर काम कर पाए। तो चलिए साथियों आज आप सब लोगों को जो है मौका मिला है, हम न्यूट्री चार्ज के बारे में आज आप सब लोगों के बीच में जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले साथियों आप सब लोग जैसे जानते हैं कि आपके परिवार में पिछले 12 सालों से आरसी बिजनेस में हम लोग 2011 में प्रवेश किए थे। जो मई आ रही है, हमें मई जब खत्म होगी मई इस बार की, तो हमारे आपके बीच में लगभग 12 साल पूरे हो चुके हैं, और 12 सालों से आपके परिवार में हम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर साथियों आप सब लोगों को दो विषयों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक विषय है इलनेस का, इलनेस इन्हें होता है बीमारी। एक विषय होता है वेलनेस का, वेलनेस इन्हें एक बेहतर स्वास्थ्य। अब इलनेस और वेलनेस में दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि आपके शरीर में कोई परेशानी आ गई, वो परेशानी एक सामान्य परेशानी भी हो सकती है, वो चाहे वो छोटा सा बुखार है वो भी परेशानी है, या कोई गंभीर रोग आपके शरीर में प्रवेश कर गया, वो रोग जो है वो कोई भी हो सकता है, वो रोग चाहे आजकल की जमाने की बात करें तो लाइफ स्टाइल डिसीज की बात करें तो वो दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड जैसी समस्याएं हैं। यानी आप एक क्षेत्र है हमारा इलनेस का, और एक क्षेत्र है साथियों वेलनेस का। इलनेस का मतलब यह है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी जो है प्रवेश कर चुकी है और उसका इलाज करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप उसका इलाज समय पर नहीं करेंगे तो आपके लिए वो भविष्य में जो है वो घातक हो सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप अगर अपने शरीर की जांच कराएं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा निकले, तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर करेंगे तो वो आपके लिए भविष्य में घातक हो सकता है। दूसरा है कि साथियों आपके शरीर में अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रह रहा है, तो वो परेशानी को अगर आप इग्नोर करेंगे तो भविष्य में वो घातक हो सकता है। आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा है और आपको पता ही नहीं है, और आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। आपके शरीर में कोई ऐसी परेशानी जो आप बार बार, आपको बुखार आता है, आपको बार बार कमजोरी लगती है, आपका वजन अगर लगातार गिर रहा है या वजन लगातार बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई आपको जो है वो परेशानी है जिसके कारण आपको वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, या कोई भी ऐसी दिक्कत आपके शरीर में आ रही है। तो साथियों इलनेस का जो सेक्टर होता है, इलनेस का मतलब यह है कि आपको आपके शरीर की एक बेहतर जांच करा के उसका निदान करना होगा, उस परेशानी का निदान करना होगा। आजकल जितनी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हो गई है, जिस प्रकार से हमारे देश में आज अगर आज डॉक्टर्स की फौज है, अस्पतालों की फौज है, इतना बड़ा सिस्टम हमारा हेल्थ केयर का काम कर रहा है, मेडिकल स्टोर है हमारे देश में लगभग 10 लाख, 8 से 10 लाख मेडिकल स्टोर हैं,
जो दवाओं के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। साथियों, इलनेस का जो सेक्टर है वहां पर रोल आता है एक मेडिकल प्रोफेशन का। मेडिकल प्रोफेशन का मतलब होता है कि जो उस विषय के बारे में जानता है, जो उस विषय का आपको एक सही इलाज करके दे सकता है। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप कई बार कोई परेशानी के समय किसी मेडिकल प्रोफेशन जो डॉक्टर है आप उनके पास जाते हैं तो वो कई बार आपको चेक करने के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद आपको बोलते हैं कि आप 10 दिन बाद लौट के फिर से चेक कराइए या 7 दिन बाद लौट के फिर से चेक कराइए। और अगर आपका बाई दी 7 से 10 दिन बाद आपको आराम नहीं मिलता है तो वो फिर आपको कई बार जांचें लिखते हैं कि भाई आप जो है अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं कि आप ये टेस्ट कराइए ताकि सही बात मालूम चले कि आखिरकार शरीर में परेशानी क्या है कि मेरी दवाइयां आप पे असर नहीं कर रही है। और फिर जब वो आपकी जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो है वो आपको फिर जो है वो अपना एक प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं कि आपको उनको 6 महीने लेना है, साल भर लेना है या महीना भर लेना है या हो सकता है कि आपको जिंदगी भर लेना है। तो साथियों, इलनेस की जो प्रॉब्लम है, देखिए वहां पर एक मेडिकल प्रोफेशन का रोल आ जाता है जिसको डॉक्टर की पढ़ाई करके, जिसको मेडिसिन की पढ़ाई करके कई 8 से 10 साल वो मेहनत करता है, पढ़ने के बाद वो आपका इलाज करने में सक्षम बनता है जब वो उस एजुकेशन को लेके आपके ऊपर काम कर पाता है। आप सभी लोग जानते हैं साथियों, अगले महीने में जो है वो भारत की सबसे बड़ी एग्जाम जो होगी वो डॉक्टर बनने की एग्जाम होगी। करीब करीब भारत के 25 लाख बच्चे उस एग्जाम में पार्ट करेंगे और उसमें से मात्र जो है वो 2% बच्चों का सिलेक्शन होगा कि जो डॉक्टर बन पाते हैं। आज मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं साथियों, इलनेस का सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर आपको काम करने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होती है, कोई ऐसी विधा की जरूरत होती है कि आप किसी का सटीक उसका निराकरण कर पाए। आपको पता होना चाहिए कि उसके शरीर में परेशानी क्या है। इसे साथियों, भारत में सबसे टफ जो जॉब माना जाता है, सबसे जिम्मेदारी वाला जॉब माना जाता है, सबसे मुश्किल जॉब माना जाता है वो होता है मेडिकल प्रोफेशन का। और मेडिकल प्रोफेशन जो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं जो आप सब लोगों की सेवा करके आपको कई तरह की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं और वो सेवा करके इलनेस के विषय में जो काम करते हैं यानी बीमारी पे काम करते हैं डॉक्टर्स। और आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि आज हम सब लोगों की औसत आयु बढ़ के, पिछले जब से हमारा देश आजाद हुआ 75 साल हमें आजाद को हुए हो गए हैं, 1947 में हम लोग आजाद हुए, आज में 75 साल पूरे हो गए पिछले साल। तो साथियों, इस 75 साल में हमारी औसत आयु बढ़ के आज लगभग हमारी औसत आयु 68 साल की हो चुकी है। यदि आज 68 से 70 साल के आसपास हम औसत आयु में पहुंच चुके हैं। आप में से शायद कई लोगों को ये लगता होगा कि सर पहले के लोग बहुत जीते थे, पहले के लोग बहुत स्वस्थ रहते थे, पहले के लोगों को बीमारी नहीं होती थी, पहले का जमाना ऐसा था, पहले शुद्ध पानी मिलता था, पहले हवा शुद्ध थी, अब तो सब कुछ चीजों में मिलावट है। साथियों, यहां थोड़ी सी मैं आपकी जानकारी को अपडेट करना चाहता हूं। हमारे देश में अभी आयु बढ़ी है, आयु घटी नहीं है, इसलिए चिंता मत कीजिए, हम अब ज्यादा ज्यादा जिंदा रहेंगे। आज स्वास्थ्य सेवाएं जिस प्रकार से काम कर रही है वो आपको ज्यादा से लंबे समय तक जीवित रखेगी। लेकिन अब फैसला आपको ये करना है कि हम 60 साल 70 साल 80 साल तो जिएंगे, ये बात तो तय हो गई है कि हमारी औसत आयु बढ़ रही है। अब औसत आयु बढ़ रही है साथियों, तो औसत आयु बढ़ने के साथ साथ में एक सबसे बड़ी समस्या, अगर हमारी आयु बढ़ रही है और आपके मन में किसी प्रकार की भी कोई गलतफहमी है कि हमारे बुजुर्ग लोग ज्यादा जीते थे, पुराने के जमाने में हमारी औसत आयु ज्यादा थी, तो आप, अगर आप, मैं आपको हमेशा से बोलता हूं साथियों कि आप कभी भी कोई भी डेटा को चेक करके देख लीजिए, हमारी औसत आयु बढ़ रही है यानी हमारे जिंदा रहने की चांसेस अब बढ़ रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं। और जिंदा होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसका मतलब किस चीज की जरूरत हम सब लोगों को पड़ेगी अगर हमें लंबे समय तक जिंदा रहना है, इलनेस के साथ या वेलनेस के साथ, ये फैसला आप सब लोगों को करना है। इसलिए कोई भी अगर आपके मन में गलतफहमी है तो आप जो है वो बहुत सारी आपको वेबसाइट पर या इवन फॉर दैट मैटर आजकल तो आप सारे लोग जो है गूगल पे जांच कर लेते हैं, आप गूगल पे जांच करके ये चेक कर लीजिए, सर्च करके कि भारत की औसत आयु इस समय क्या है और आज से 50 साल पहले हमारे देश की औसत आयु क्या थी, वो बढ़ी है या घटी है। और आपको पता चलेगा कि आपकी गलतफहमी उस समय दूर हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि हमारे देश की औसत आयु बढ़ रही है यानी हम लोग अब ज्यादा जिंदा रहेंगे। अब साथियों, जब जिंदा ज्यादा रहना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर आती है, वो है हमें स्वस्थ रहना है। देखिए, दो तरीके से हो सकता है कि या तो हम बीमारी को शरीर में उतार लें और दवाओं के माध्यम से हम अपने आप को जीवित रखें। देखिए, आज औसत आयु बढ़ रही है उसका कारण क्या है कि मेडिकल के पास, दवाओं के पास हर चीज का इलाज है। वो आपके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हार्ट का, ओपन हार्ट का ऑपरेशन आपने देखा होगा, अगर आज से 15 20 साल 25 साल पहले सुना होगा तो कुछ ही अस्पताल में होता था, आजकल तो गांव में भी होने लगते हैं, मतलब गांव से मतलब छोटे छोटे शहर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आजकल होने लगते हैं। तो साथियों, आज इंसान को जिंदा रखा जा रहा है और उसके लिए मेडिकल साइंस जो है वो अपनी तरफ से प्रयास पूरे करता है कि आपके शरीर में अगर बीमारी आ गई है तो आप उसका इलाज करा पाए। इससे साथियों, आप इलाज की विधा पे मत जाइए। देखिए, अगर हम सब लोगों को अगर इलाज की दिशा में जाना है ना तो हमें फिर वो जो है वो 7 मई को एक एग्जाम होगी जिसमें नीट की एग्जाम बोलते हैं, उसके लिए आपको एक जो है एग्जाम देनी होगी। अगर आप डॉक्टर बन पाते हैं तो आप लोगों के इलाज पे काम कीजिए, मतलब होता है MBBS की डिग्री लीजिए, MD की डिग्री लीजिए, बड़ा काम कीजिए, अस्पताल के माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन साथियों, अगर आप लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बीमारी पे नहीं, आप हेल्थ पे काम कीजिए, आप वेलनेस पे काम कीजिए, आप न्यूट्रिशन पे काम कीजिए। देखिए, एक बात को समझिए, अगर हम 70 साल जिंदा रहेंगे तो हमारे पास क्या चॉइस, कि हम बीमारी के साथ जिए या स्वस्थ रह के जिए। 70 साल जो है हम दवाओं के सहारे जिंदा रहें या हम जो है अपने आप को फिट रख के जिंदा रहें। 70 साल हम बूढ़े होकर रहें
कमजोर होके रहे, बार बार अस्पताल के चक्कर लगाए, बार बार डॉक्टर के पास जाए, उस तरीके से रहे, या हम खुशहाल जिंदगी जिए, इंजॉय करके जिंदगी जिए कि 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, फिर हमारे क्रिकेट खेलने के दिन आ गए हैं, फुटबॉल खेलने के दिन आ गए हैं, वॉलीबॉल खेलने के दिन आ गए हैं, ऊर्जा है, बच्चों के साथ इंजॉय करें, पोतों पोती के साथ इंजॉय करें। तो साथियों, आप में से कई लोग अभी बहुत युवा हैं, आज आप में से कई लोग 20-25 साल, 30 साल के, 35 साल के होंगे, उनको शायद आभास नहीं हो रहा होगा कि भाई आपकी जब आयु बढ़ेगी तो आज अगर आपकी बुनियाद कमजोर है तो आपके जीवन में, भविष्य में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, हम तो यही बोलेंगे, लेकिन परेशानी आ सकती है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। और जिस प्रकार से साथियों आज लाइफस्टाइल चल रही है, जो हमारे जीवन का जिस नजरिया चल रहा है कि हम धीरे धीरे आजकल जो मशीनों पर बेस्ड होते जा रहे हैं, बाइक पे ज्यादा हम चलते हैं, कारों पे ज्यादा घूमते हैं, हमारे पैदल चलने की आदत कम हो गई है, तो आज के समय साथियों बीमारी की संभावना बढ़ रही है। और उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने बेहतर स्वास्थ्य की तरफ काम करें और बीमारी को अंदर प्रवेश ही नहीं करने दें। भाई आप एक बात सोचिए कि आपका घर अगर सुरक्षित है और आपने बाहर गेट पे ताला लगा दिया, एक बाहर एक चौकीदार बिठा दिया, एक गार्ड है आपके पास में, आपके पास खुद के पास सुरक्षा के उपकरण है, तो कोई भी आपके घर में चोरी नहीं कर पाए। यानी आपको अपने आप को सुरक्षित करना है चोरी से बचने के लिए। उसी तरीके से साथियों आपका स्वास्थ्य, देखिए ये स्वास्थ्य कोई चुरा ले, उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी अंदर की मजबूती की तैयारी करनी है। शरीर को अंदर से स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, कैसे हम लोग भविष्य की बीमारियों से बच पाए, कैसे हम अपने आप को इलनेस नहीं वेलनेस के सेक्टर पे काम करें। भाई इलनेस के ऊपर तो डॉक्टर की फौज है ही, मैंने आपको बताया कि उसके लिए तो ये एग्जाम होती है, उसके बाद हमको डॉक्टर बनना पड़ता है, उसमें करीब ज्यादा नहीं 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की जो है हमें राशि भुगतान करना पड़ती है, तभी जाके एक व्यक्ति डॉक्टर बन पाता है। और उसके बाद फिर जो है आपको लोगों को इलाज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन साथियों उससे एक दूसरा काम, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हम लोगों को स्वास्थ्य की प्रेरणा देके भविष्य में तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास, आपके क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में आपका एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, वो है साथियों न्यूट्रीचार्ज। और हम सब लोग आपको हमेशा से बारंबार बोलते हैं कि साथियों न्यूट्रीचार्ज की ताकत को पहचानिए। देखिए एक बात को समझिए, शरीर के हर अंग की जरूरत अलग अलग है। आपका ब्रेन अलग काम करता है, आपका लीवर अलग काम करता है, आपका हार्ट अलग काम करता है, आपकी मसल्स अलग काम करती है, आपकी आंखें अलग काम करती है। भाई देखो हर व्यक्ति की, जैसे आपका, अगर आप किसी बाइक को देखोगे तो उसका इंजन ऑयल अलग है, उसका पेट्रोल का सिस्टम अलग है, उसका जो व्हील है उसमें हवा भरना पड़ेगी, उसमें पेट्रोल भर के व्हील में हवा काम नहीं चलेगा, पेट्रोल भरना है उसकी गाड़ी की टंकी में। इंजन के लिए इंजन ऑयल चाहिए, गाड़ी के टायर के लिए हवा चाहिए, उसको किक लगाने के लिए आपकी बैटरी सही चाहिए। तो साथियों हर चीज की अपनी एक जरूरत है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी आपका ब्रेन एक्टिव रहे, आपकी आंखें एक्टिव रहे, आपका दिल अच्छा रहे, आप दिल से जवान रहे, फिट रहे, उमंग भरी रहे, ऊर्जा रहे। तो साथियों हम सब लोगों को मिलकर इलनेस नहीं, हमको वेलनेस के सेक्टर पे काम करना है। और आप सब लोगों को साथियों, लोगों को प्रेरणा देनी है कि कैसे वो अपने जीवन में बेहतर समय और बेहतर जिंदगी जी पाए। इस दिशा में हम लोग काम करके हमारे 140 करोड़ देशवासियों को, आप जो हमारा स्वास्थ्य रक्षा का मिशन है, जो आपकी जिंदगी में एक नई उमंग ला सकता है, इस मिशन पे हम लोग अगर जब काम करने की बात कर रहे हैं तो साथियों हमको इस दिशा में काम करना है। लेकिन एक कहावत कही गई है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है। देखो हम पता चला कि सर हम गांव मोहल्ले का तो ध्यान रख रहे हैं कि सर हम तो बड़े मिशन पे चल पड़े हैं कि सर हमें तो देश को स्वस्थ रखना है, हालांकि वो बहुत बड़ा मिशन है साथियों, वो साधारण तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बात करना अलग होता है, काम करना अलग होता है। बहुत बड़ा मिशन है कि हम देश के लोगों को स्वस्थ करें, हम तो अपने लोगों को स्वस्थ कर लें, वो बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए साथियों। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी आती है कि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहली शुरुआत अपने घर से, और उस विषय में साथियों स्वार्थी हो जाइए। देखिए मैं आप सब लोगों को कई बार वो प्लेन का किस्सा बताता हूँ कि जब प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन जब उड़ता है तो उड़ने के पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन ये बताए जाते हैं साथियों कि कभी भी आप जब प्लेन हवा में ऊपर जाएगा 35,000 फीट, 40,000 फीट, यानी धरती से लगभग 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर होता है प्लेन, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि कोई भी ऐसा समय आ जाए कि आपको ऑक्सीजन का प्रभाव कम मिले या आपको सांस लेने में परेशानी आ जाए, तो ऊपर लगे हुए ऑक्सीजन के नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे। दूसरों की सहायता करने के पहले वो ऑक्सीजन का नकाब अपने ऊपर लगाइए। इसका मतलब क्या है साथियों कि देखिए हम अगर बच गए, अगर हम ऑक्सीजन का नकाब लगा के बच गए तो हम दूसरों की सहायता करते हैं साथियों। दूसरों की सहायता तो तभी होगी ना कि जब हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो साथियों हम सब लोगों को मिलकर क्या तय करना है आज के दिन, हम सब लोगों को तय करना है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो हम सब लोगों को आज 7 अप्रैल के दिन सबसे पहली जिम्मेदारी लेनी है। देखिए दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन साथियों आप अगर कमजोर शरीर के साथ फील्ड में काम करेंगे तो आपकी बात कौन माने। आपके शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है कि उठ के खड़े हो जाएं तो आपकी बात कोई क्यों सुने। उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहली शुरुआत अपने से, अपने आप से, भरोसा इस व्यक्ति पे, भरोसा अपने आप पे, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने माँ बाप से शुरुआत कीजिए, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने वालों से, वहां से शुरू कीजिए। देखिए 140 का मिशन तो बहुत बड़ा है, वो एक अलग दिशा का काम है, लेकिन साथियों सबसे पहली शुरुआत दोबारा आप लोगों को बोलूंगा अपने घर से कीजिए, अपने आप से कीजिए। देखिए आप अगर अपने आप को बचा के ले गए, बचाने से मेरा मतलब उस दिशा को समझिए मत, बचाने का मतलब है कि बीमारियों से दूर रहें। और बीमारी का मतलब साथियों देखिए आप हमेशा बीमारी का मतलब वो थायराइड, कैंसर, ब्लड प्रेशर, उस बीमारी को मत समझिए साथियों। देखो उसका इलाज आप लोग कर ही नहीं पाओगे, ये अगर कोई भी गलतफहमी आपके पास में है तो उसको इलाज नहीं कर पाओगे साथियों, वो विधा हमारे पास नहीं है। हमारी विधा जो है
वो हमारी एक्सपर्टाइज, हमारा काम क्या है भाई, हमारा काम हमको समझना है, हमारा काम है वेलनेस पे काम करना, इलनेस वाले सेक्टर से दूर हो जाइए। जब तक आपके दिमाग में बीमारियां हैं तो हम बीमारी पे लगे रहेंगे। आपके दिमाग में स्वास्थ्य लाइए, इस दिमाग को स्वस्थ करिए, बीमारी को दूर करिए और दिमाग को स्वस्थ करके काम करिए। और सबसे पहली शुरुआत आपसे करिए। और उसके लिए साथियों आपके पास न्यूट्रीचार्ज जैसी रेंज आज मौजूद है। आज साथियों पिछले आप 12 सालों में हमने 2023 तक आते आते लगभग हमने आपके बीच में 23 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। और देखिए हम सब ने क्या चीज को समझा कि हर विषय का एक प्रोडक्ट अलग होता है। भाई अगर प्रोटीन का काम आपकी मसल बनाना है तो प्रोटीन का काम आपके ब्रेन को बनाना नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हम सब लोगों का दिमाग घुटने में नहीं है भाई। घुटना क्या है? घुटना एक अलग चीज है, दिमाग अलग चीज है, लीवर अलग चीज है, आपकी जो है किडनी अलग चीज है, हार्ट अलग है, आपकी नाखून की ताकत अलग है, आपके बालों की ताकत अलग है। तो वहां पर आप सब लोगों को ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए जो आपकी जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन साथियों एक बात हमको सबको ये भी समझना है कि बेसिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है शरीर की रोजाना की जरूरत को हम पूरा कर पाए। और वो जरूरत होती है हमारे कुछ बेसिक प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो न्यूट्रीचार्ज की रेंज में है जो आपके पास आपको कम समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए साथियों थोड़ा सा आपके बीच में 15-20 मिनट में हमारे न्यूट्रीचार्ज, देखिए 23 मिनट एक काम करते हैं, अभी जो समय हुआ है 23 मिनट में 23 प्रोडक्ट को समझते हैं, एक मिनट में एक प्रोडक्ट, इस स्पीड से काम करते हैं। और मैंने आपको बोला कि मैंने थोड़ा सा अभी समय ज्यादा लिया, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा आज स्पीच दिया। लेकिन साथियों एक बिजनेसमैन की तरह हम समय को बचाएं और बेहतर काम करने की कोशिश करें। आज थोड़ी सी देर से शुरुआत मैंने करी है प्रोग्राम की, लेकिन चलिए 23 मिनट में 23 प्रोडक्ट को कैसे सीखा जाए उसके बारे में जानते हैं और एक एक मिनट में एक एक प्रोडक्ट आज देख लेते हैं साथियों। तो चलिए न्यूट्रीचार्ज परिवार आप सब लोगों का दोबारा स्वागत करता है आज के इस दिन में। और सबसे पहले सेहत पे आप सब लोगों का ध्यान देना चाहेगा, शुरुआत अपने आप से कीजिए साथियों। और देखिए अच्छी सेहत के लिए एक बात को समझना होगा कि हमारे लिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ये आप जरूर नोट कीजिए, अपने दिमाग में रखिए। हालांकि ये यूट्यूब पे भी सेशन होता है तो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अच्छा भोजन लीजिए, ताजा भोजन करिए, अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, प्रयास करें कि बाहर का जब तक जरूरत न हो ना खाएं, जरूरत है कोई मजबूरी है तो खाइए लेकिन ताजा बना हुआ खाएं, जहां पर भी खाएं फ्रेश भोजन करें, कम खाएं, पेट की जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, साथ साथ में न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, थोड़ा व्यायाम करने की आदत डालें, रोज थोड़ा घूमें, थोड़ी तैयारी, थोड़ी सी कुछ भी सिंपल सी एक्सरसाइज करें, घर के काम करें वो भी एक अच्छा व्यायाम है, वॉक कीजिए वो भी एक अच्छा व्यायाम है, सीढ़ियां चढ़िए अच्छा व्यायाम है, और अच्छी भरपूर नींद कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे की अच्छी नींद जरूर लीजिए। और भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब होता है साथियों कि जीवन में देखो सर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, लेकिन आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखिए। देखिए परेशानियां जीवन भर चलती रहने वाली है, परेशानियां हैं तभी तो जीवन है, इसलिए उसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, भरोसा अपने अंदर बैठे हुए उस इंसान पे करिए जो आपको जीत लाएगा। इससे साथियों भरोसे के साथ आगे बढ़े और ये 5 पॉइंट को जरूर फॉलो कीजिए अपनी जिंदगी में। और आप सब लोगों के बीच में न्यूट्रीचार्ज जो है बहुत बड़ी प्रोडक्ट की रीज लेके आया है। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा जो आता है साथियों न्यूट्रीचार्ज मैन, जो पुरुषों के लिए है, जो हमारे 14 साल से ज्यादा की उम्र के पुरुष हैं वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथियों मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल सप्लीमेंट है ये, और आप सब लोग जानते हैं कि इसमें कुल मिला के जो है 33 तरह के पोषक तत्व हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, बॉटनिकल्स भी हैं, विटामिन मिनरल भी हैं, और ये आपके अंदर ऊर्जा से लेकर कई सारी ताकत आपको दे सकता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। इसमें जिंक भी है, विटामिन सी है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो आर्जिनिन शरीर के पोषक तत्व भी हैं, अमीनो एसिड जो पुरुष की ताकत को अंदर से बढ़ाते हैं। तो ये हर उम्र के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, यानी आप स्टूडेंट से लेकर 14-15 साल के स्टूडेंट से लेकर बड़ी उम्र के लोगों को इसको लगातार दे सकते हैं। पानी के साथ एक टेबलेट लेनी है दिन में एक बार, खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। उसके बाद साथियों हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आता है, वो सबसे शानदार प्रोडक्ट है, वो है हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमन। और आप सभी लोग जानते हैं कि वो महिलाएं जिनको मेंसेस आते हैं, जिनको मासिक धर्म आता है, वो कोई भी उम्र की महिला हो जिसको मासिक धर्म है, उनको आप ये न्यूट्रीचार्ज वुमन का इस्तेमाल करा सकते हैं। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास आपकी रेंज में जो मौजूद है वो है न्यूट्रीचार्ज वुमन। देखिए सब प्रोडक्ट हमें बहुत प्यारे हैं लेकिन इस प्रोडक्ट से विशेष लगाव है हमारे देश की महिलाओं के लिए, ये एक शानदार प्रोडक्ट है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको अपने परिवार में जरूर आपकी बेटियों को, माँ को, बहनों को, जो भी है जिन्हें ये जो है रेगुलर उनके मेंसेस होते हैं, आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर दें और उसमें कोई संकोच न करें। ये उनकी खूबसूरती भी बढ़ाएगा, सेहत के अंदर बहुत सारा फायदा देगा, कई सारे पोषक तत्व इसमें मिले हैं, इसकी आपको लगातार ट्रेनिंग मिलती रहती है। तो साथियों दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमन। इसके बाद आता है साथियों प्रोटीन। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए, ये है हमारा शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक, यानी आपके शरीर की मसल बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है और उसमें आपको मदद करेगा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट। और साथियों इसके एक सेशन में लगभग आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है और आप लोग जानते हैं कि आपको दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन लेना होता है, तो अगर आप इसका एक सेशन लेते हैं तो आपकी मसल को बढ़ाता है, आपके शरीर की ताकत को बढ़ाता है और ये आपके शरीर की लगभग 25% जरूरत को एक दिन में पूरा कर सकता है। बाकी आप अपने भोजन से लीजिए, जरूरत अगर आपकी ज्यादा है तो आप इसको 2 बार भी ले सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आप अपने भोजन से प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा टेस्ट आता है साथ ही उसमें स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट सेम जो है 20 ग्राम में 74% प्रोटीन यानी 14.8 ग्राम प्रोटीन आपको एक सेशन मिलता है। आप चाहे तो इसको दूध में पिला के ले सकते हैं, सादा पानी में मिला के ले सकते हैं, गर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन में एक बार इसका शेक पी के देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई फ्रूट डालना है तो उसमें फ्रूट डाल लीजिए, केला वगैरह डाल लीजिए, तो आपको एक शानदार स्मूदी मिल जाएगी। आपको उसके स्थान पर कोई भी भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, यानी आप इसको एज ए एक टाइम का खाना छोड़ के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ता छोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मसल की ताकत को बढ़ाता है, आपको लंबे समय तक युवा रखता है। इसके साथ साथ साथियों आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार अपने घर में इस प्रोडक्ट को लेके आइए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट। देखिए आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों, 50-60 रुपए में बहुत शानदार पार्टी आप 15-20-25 लोगों की कर सकते हैं। एक डब्बा पीयूसी से लाइए और इसको शेक बना के अपने सभी साथी लोग परिजन लोग इसको पिए। आपको लंच या डिनर की पार्टी की जगह रखना है तो आप इसकी शेक पार्टी रखिए। इतना मनमोहक इसका टेस्ट है कि आपको दोबारा इसको पीने की इच्छा होगी और ये आपके शरीर में व्हे प्रोटीन से लेके सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन तीनों तरह के प्रोटीन आपको देता है। तो साथियों ये शानदार प्रोडक्ट है आपके बीच में प्रोटीन सप्लीमेंट। इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक और प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट, जो जिसमें प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो 64% है, यानी आप 10 ग्राम की स्कूप लेंगे तो आपको 6.5 ग्राम लगभग प्रोटीन मिलेगा और साथ में आपको जो मिलेगा असली केसर और पिस्ता का स्वाद। आप अभी गर्मी का मौसम आएंगे इसकी कुल्फी बना सकते हैं, इसको आप बर्फ में डाल के ठंडा शेक बना के पी सकते हैं, आप इसको जो है इसकी मिठाई भी सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, और आपको अगर दूध में डाल के इसको पीना है और आप इसको साधा गर्म दूध की जगह ठंडे दूध में भी अभी गर्मी के दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंड के मौसम में आप गर्म दूध डाल सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों हमारा अगला प्रोडक्ट जो आया है वो है प्रोटीन का ऑल प्रो, और ऑल प्रो जो होता है साथियों इसका मतलब यह है कि आप इसको किसी भी आहार में मिला सकते हैं, आपकी सूप में, आपकी दाल में, आपके रायते में, आपके सलाद पर डाल लीजिए, जिससे आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी है उसकी भरपाई हो पाए। और यह सबसे अधिक प्रोटीन का सप्लीमेंट आपके बीच में आया है, 84% प्रोटीन है, यानी 10 ग्राम की स्कूप में आपको 8.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी आपके पास प्रोटीन सेगमेंट में अब 40% से लेके 84% तक के प्रोटीन आपके पास मौजूद है, जो आप अपने रोजाना के इस्तेमाल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों हमारे पास बच्चों के लिए बहुत शानदार रेंज है और वो है हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, उसमें दो टेस्ट आते हैं, एक होता है कोकोआ मतलब चॉकलेट टेस्ट आता है और एक होता है हमारा मैंगो टेस्ट। तो ये दोनों तरह के टेस्ट आते हैं, ये बच्चों के लिए एक प्रोटीन का भरपूर सप्लीमेंट है। जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट आते हैं उससे लगभग इसमें डबल प्रोटीन आपको मिलेगा, यानी कोई भी ब्रांड अगर आप मार्केट का देखेंगे उससे आपको इसमें 1.5 डबल प्रोटीन मिलेगा। 23 ग्राम प्रोटीन है, साथ साथ में बॉटनिकल्स हैं, साथ साथ में मल्टीविटामिन की बहुत बड़ी रेंज इसमें डाली गई है, बॉटनिकल्स हैं। घर के जो बच्चे हैं आपके 2 साल से लेकर 13-14 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हैं, 13 साल वैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं। आप दूध में डाल के उनको सुबह स्कूल जाने के पहले दे सकते हैं, दोपहर में आने के बाद दे सकते हैं, ये उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, साथ साथ में प्रोटीन लेने से उनकी मसल्स बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, और साथ में उनको जो है ऊर्जा मिलेगी दिन भर में स्कूल के साथ साथ पढ़ने लिखने की भी, खेलकूद करने की भी। तो आप अपने परिवार में न्यूट्रीचार्ज किड्स को शामिल कीजिए। इसके बाद आती है साथियों बहुत शानदार रेंज हमारी लॉन्च हुई है, अमेरिका की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनता है न्यूट्रीचार्ज डीएचए, और ये पौधों से प्राप्त डीएचए है, यानी हमने इसमें कोई भी मछली का तत्व यूज नहीं किया है, नॉन वेजिटेरियन कोई सोर्स नहीं है, ये हमारा एक तरह का पौधों वाला मतलब जो है वो डीएचए है। और आप सब लोग जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेने की शुरुआत करता है तो माँ के गर्भ में 70% दिमाग यहाँ पर बन जाता है, और मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि घर में जो भी प्रेग्नेंट महिला है, आप जो भी जिनको जानते हैं उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए की शुरुआत जरूर कीजिए। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस चीज को मानते हैं कि शुरू में डीएचए देना बहुत जरूरी है, और साथियों गर्भवती महिला को अगर आप ये प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज डीएचए देंगे तो बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छा बनेगा। और आप सब लोगों से आग्रह है कि जैसे ही जन्म होता है उसके बाद जो है 6 महीने तक न्यूट्रीचार्ज डीएचए महिला को देते रहे 200 मिलीग्राम का कैप्सूल, और उसके बाद छोटा जो बच्चा है उसको दूध के आहार में जो भी वो खाना खाता है उसमें आप डीएचए ट्विस्ट डाल के दें, जिससे कि उसको भी डीएचए मिलता रहे। तो यानी ऐसा माना जाता है कि बच्चे 2 साल तक जब पहुंचते हैं तो लगभग 80-90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। तो आप अगर बच्चों का ब्रेन एक्टिव रखना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए का भरोसा कीजिए। इसी के साथ साथियों आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने शरीर को बहुत बेहतर बनाना है। आज सब लोग जो है बड़े बड़े हीरो को फॉलो करते हैं, स्टार को, फिल्म के स्टार को देखते हैं कि साहब उनकी सिक्स पैक बनी हुई है, कितना अच्छा उन्होंने शर्ट उतारी तो पता चला कितनी अच्छी खूबसूरत बॉडी दिखती है। महिला हो पुरुष हो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनका शरीर गठीला रहे, अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। और साथियों न्यूट्रीचार्ज गेनर हमारे वो सभी साथी जिनके अंदर कोई कमजोरी है, शरीर में थकावट ज्यादा रहती है, कमजोरी ज्यादा है, या वो पुरुष और महिला जिनकी सेक्सुअल डिजायर कम है, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसमें अश्वगंधा से लेके शरीर के अंदर बहुत फायदा करने वाली 19 वनस्पतियां डाली गई है, जिसमें शहद से लेके केले का सत्व से लेके अश्वगंधा शतावरी और बहुत सारे आयुर्वेदिक न्यूट्रिएंट डाले गए हैं। आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आपके परिवार में कोई भी किसी को कमजोरी है, शरीर में थकान ज्यादा रहती है, वजन कम है, आप उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर का इस्तेमाल जरूर कराएं। और वो साथी पुरुष साथी जिनकी आयु 40 साल से अधिक है वो इसका इस्तेमाल करेंगे, महिलाएं इस्तेमाल करेगी, तो इसमें अश्वगंधा है जो सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि अगर हमें शरीर को सुगठित करना है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शरीर को अपना वेट को कम करना होता है। वेट में साथियों आता है हमारा कमर का घेरा, जैसे आप यहाँ फोटो देख पा रहे हैं। वेट साथियों कुछ अच्छा भी होता है, जरूरी नहीं कि हर हमारे शरीर का वेट नुकसान ही करे। अगर आपके शरीर की मसल ज्यादा अच्छी मजबूत है
तो उससे वेट बढ़ा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आपका फैट से वेट बढ़ा है, अगर आपकी कमर का घेरा ज्यादा है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज एसएनडीएफ का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में ये एक क्लिनिकली प्रूवन यानी प्रूवन प्रोडक्ट है, और आप इसको रात का भोजन छोड़ के दिन में हल्का फुल्का एक डाइट चार्ट बना के काम करें और डिनर की जगह पर आप न्यूट्रीचार्ज एसएनडीएफ को लेते हैं, तो ये आपके जमा हुए फैट को कम करता है और आपके शरीर को फिट बनाता है। तो ऐसे सभी साथी जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनका फैट ज्यादा है, आप उनकी जांच करें, कमर के घेरे को माप के देखें, अगर छाती और कमर में 4 इंच का फर्क है ना, आपकी कमर ज्यादा है 4 इंच, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको फायदा मिल सके। इसी के साथ साथ साथियों, हमारा एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में काफी सारे लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, और एल्कोहल आप लोग जानते हैं जो ड्रिंक्स करते हैं उनको लीवर का क्षति होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर शरीर में लीवर को जो पहुंचता है वो ड्रिंक्स करने से होता है, या बाहर का बहुत ज्यादा खाने पीने से होता है, या स्मोकिंग से होता है, या जो भी हम पॉल्यूशन अपने अंदर उतार रहे हैं तो वो हमारे लीवर को डैमेज करता है। और लीवर चुपचाप अपना काम करता है, 500 से ज्यादा काम करने वाला जो शरीर का अंग है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज उसके लिए भरपूर और सही प्रोडक्ट है। तो आप में से जो साथी लीवर संबंधी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा जो लोग ड्रिंक करते हैं, आप उनको सजेस्ट कीजिए कि वो अपनी उस मात्रा को कम करें। आपकी बात मानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज जरूर दें ताकि उसकी क्षति को थोड़ा सा रोका जा सके। इसके साथ साथ साथियों, हमारा देश दुर्भाग्य से आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए दुनिया का नंबर वन कंट्री बनने वाला है पॉपुलेशन के मामले में, और उसी के साथ साथ हमारे पास एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आ रही है कि हमारे देश के 12 करोड़ लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, यानी जिन्हें डायबिटीज हो चुकी है और डायबिटीज होने वाली है, तो ऐसे करीब 12 करोड़ के आसपास लोग हैं। और साथ ही उनके लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे देश के डायबिटिक लोगों को और प्री डायबिटिक लोगों को फायदा कर सकता है। ये क्लिनिकली प्रमाणित है और इसने अपने कई सारे लोगों को जो है नॉर्मल शुगर को मेंटेन करने में मदद करी। करीब करीब 70% लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये क्लिनिकली प्रमाण है हमारे पास इसका। तो जो लोग अपने डायबिटीज की परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें भी ये दिया जा सकता है, और जिनको संकेत है कि उनको हो सकती है वो लोग इसका जरूर सेवन करें ताकि उनको ये रोग न लगे। तो साथियों, आप सब लोग ये दोनों प्रोडक्ट जो है हमारे देश में बहुत जरूरी है, 12 करोड़ ग्राहक हैं इसके। ये टेबलेट को जो है मुंह में सुबह उठते से ही चबा के लेना है और उसके साथ इसका शेक बना के पीना है। अगर आपको दूध से परेशानी है तो आप कोई भी लिक्विड में इसको डाल के इसको पी सकते हैं, चाहे वो सादा पानी हो, या अगर आपको दूध में फैट कम वाला दूध मिलता है तो उसमें डाल के भी आप लोग ले सकते हैं। हालांकि डायबिटिक लोगों को दूध पीना रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको कोई उचित अल्टरनेट मिलता है तो उसमें डाल के शेक बना सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, हमारे देश में करीब करीब 4-5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो घुटने की तकलीफ से परेशान हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके घुटने, जो कार्टिलेज आपकी घिस जाती है, जो रबर की झिल्ली है जो आपकी हड्डियों को बचाती है आपस में टकराने से, और ऐसे हमारे देश में जो 4-5 करोड़ के लगभग लोग हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसमें कई तरह के एडवांस जो होते हैं स्टेजेस होती है। लेकिन साथियों, ये उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो अभी शुरुआती दौर में है। मान लीजिए कि उनको स्टार्टिंग की तकलीफ अभी नजर आ रही है चलने फिरने में, उठने में, तो इससे सभी साथी अगर आपके परिजन ऐसे हैं तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं जिनको शुरुआती दौर में ये परेशानी नजर आ रही है। तो आप सब लोगों को साथियों, ये एक प्रोडक्ट और मिलता है आपके साथ में। इसके साथ साथ में हमारे देश में सभी लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे, बीमारी से लड़ने की ताकत रहे, और उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है न्यूट्रीचार्ज S5। और साथियों, 5 हर्ब का ये कॉम्बिनेशन है जिसमें सबसे शानदार चीज जो है वो है ब्लैक सीड कलौंजी जिसको बोलते हैं, और साथ में नीम, तुलसी, एलोवेरा और पुदीना की शक्ति इसमें मिलती है। 5 चीजों का यह हर्बल कॉम्बिनेशन आपको एक ही प्रोडक्ट में सॉफ्ट कैप्सूल में बहुत बड़ा फायदा देता है। तो आप सब लोग अपने परिवार में इसका उपयोग जरूर करें और अपने जानकार लोगों को भी इसका इनकरेज करें। और इसी के साथ साथ साथियों, आप जानते हैं कि आज डिजिटल युग ने सबसे बड़ा दबाव अगर किसी चीज पर डाला है तो हमारी आंखों पर डाला है। हम मोबाइल आज लगभग औसत रूप से 5-6 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी हम 1-2 घंटे देखते हैं, तो लगभग हम एक डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड है दिन भर। और जो आंखों को हमको अभी आप जो रोशनी में देख रहे हैं, मैं भी अभी रोशनी में बैठा हूं, या हम जो मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठते हैं, तो आंखों को ये जो ब्लू लाइट है ये नुकसान पहुंचाएगी, और हमें भविष्य में साथियों नजर की परेशानी जो आएगी, आंखों की परेशानी आएगी, वो हमें बहुत नुकसान कर सकती है। उसके लिए आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज व्यू, जो अमेरिका की एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन से बना हुआ है जिसका नाम है लुटेमैक्स 22020। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सब लोगों को अपने परिजनों को आई हेल्थ के लिए, आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। और साथियों, इसकी टक्कर का प्रोडक्ट आपको भारतीय मार्केट में नहीं मिलेगा, ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास मिलेगा और ना आपको फील्ड में मिलेगा। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप जिसका इस्तेमाल करके अपनी आंखों को लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप अच्छे आंखों को रखना चाहते हैं, तो आप दिन में 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, आज जिस प्रकार से दिल की बीमारियों का दौर बढ़ रहा है, आप सब लोग जानते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, और साथियों दिल के लिए सबसे अच्छा अगर कोई सप्लीमेंट है तो वो है ओमेगा। इसके साथ न्यूट्रीचार्ज मैन में आपको मिलते हैं फोलिक एसिड, विटामिन डी, सी, और साथ साथ में आपको बीटा कैरोटीन मिलता है। ये सब भी आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन से आपका दिल बहुत ताकतवर रहेगा, इसलिए आप सब लोगों को सलाह देंगे कि आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के साथ न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करें। ओमेगा आपके हार्ट को
बहुत सक्रिय रखने में मदद करेगा और बीमारियों से बचाने में, मधुमेह जैसी बीमारियों से, जोड़ों के दर्द से बचाने में भी लाभकारी है, लचीला बना के रखता है आपकी वेंस को। इसलिए तुरंत जो है आप सब लोगों से आग्रह है कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, जो लोग थोड़ी सी जिनकी आयु ज्यादा है या आजकल तो 20-25 साल में भी परेशानियां बढ़ रही है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। और साथियों आपको जो है एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी कि जब आपको ऊर्जा की जरूरत पड़े, कोई शादी में ज्यादा नाचना है, कोई जिंदगी में खूब इंजॉय करना है, लंबे समय के लिए दौड़ के गाड़ी चलानी है या दौड़ना है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज पूरी फोकस के साथ कोई विशेष काम करना है, तो आपके लिए रेंज है न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर। इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर। और साथियों ये हमारा 22वां और 23वां प्रोडक्ट है। आप सब लोगों से निवेदन है कि जब भी लगे जिंदगी में कोई थकान, तो आप न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पर भरोसा कर सकते हैं और आप इसको पी के एक नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों ये हमारी शानदार 23 प्रोडक्ट की रेंज है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से न्यूट्रीचार्ज की जो रेंज है वो आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं और वो आपके जीवन में किस प्रकार से काम आ सकते हैं, और क्या कारण है साथियों कि जीवन के अपने शरीर के हर अंग के लिए न्यूट्रीचार्ज ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि शरीर की अंगों की जरूरत अलग है। लीवर वाला प्रोडक्ट दिमाग पे काम नहीं करेगा, दिमाग वाला प्रोडक्ट लीवर पे काम नहीं करेगा, दिमाग वाला प्रोडक्ट घुटने पे काम नहीं करेगा, घुटने वाला प्रोडक्ट दिमाग पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा दिमाग घुटने में नहीं है। और आप सब लोगों का अगर दिमाग घुटने में नहीं है तो आपको यह समझना होगा हार्ट के लिए ओमेगा, दिमाग के लिए डीएचए, मसल के लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइड, और शरीर को ऊर्जावान रखना हो तो न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, और बच्चों को एनर्जी से भरपूर रखना है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स। ये बेसिक प्रोडक्ट अपने घर में जरूर लाइए। और साथियों देखिए, मैंने आपको बोला था अभी बज रहे हैं 8:43, मैंने 8:26 पे आपको बताया था कि मैं आपको 23 मिनट में 23 प्रोडक्ट बता दूंगा, और मैंने आपको हर एक प्रोडक्ट एक मिनट के अंदर बता दिया, 23 प्रोडक्ट 23 मिनट, 8:43 हुए हैं साथियों। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि करने के लिए 23 मिनट में 23 प्रोडक्ट बताया जा सकते हैं, तो आप लोग भी अभी आपके पास जो बचे हुए 23 मिनट हैं इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। तो जो समय बचा है उसका उपयोग प्रोडक्ट यूज करने में करें, अपने लोगों तक पहुंचने में करें, अपने बिजनेस को बढ़ाने में करें, व्यापारी बन के काम करें, अच्छे ग्राहक बन के काम करें, और RCM के इस ID को जो लिया है इसका मान रखिए, अपनी परचेज वॉल्यूम तुरंत कीजिए और अप्रैल की शानदार शुरुआत आप सब लोग करिए। तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते हम एक नए प्रोडक्ट के साथ आपके साथ, नए प्रोडक्ट मतलब हमारी जो प्रोडक्ट की रेंज है उसके एक प्रोडक्ट की आपको थोड़ी सी डिटेल ट्रेनिंग देंगे, और हर बार आपको कोशिश करेंगे कि आपको हर प्रोडक्ट की थोड़ी विशेष जानकारी मिले। तो साथियों आप सब लोगों से जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, ओवर टू रजत सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत शानदार रहा, आपने बहुत विस्तृत रूप में जानकारी दी हम सभी लोगों को। आपने जो 23 प्रोडक्ट की जानकारी दी है 23 मिनट में, वाकई में शानदार थी, और उसके पहले जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम सभी लोगों को लाइफ की इंपॉर्टेंस और हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ऐसे ही हमें ट्रेन करते रहें, एजुकेट करते रहें, आपकी गाइडेंस पे हम सभी लोग चलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका आदेश हो सर, तो कुछ हैंड रेज आए हैं, क्या इनको बुलाना उचित है या इस सेशन को यहीं लाइन करें? देखिए सर, मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि कोई अच्छी बात बोलना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोई भी अभी प्रश्न और उत्तर के सेशन में ना इंटर हो। आप सब लोगों को न्यूट्रीचार्ज के लगातार प्रोग्राम मिलते हैं, आप हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं उसमें अटेंड कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी 1000 लोग हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। तो आपके जो निजी प्रश्न हैं आप किसी के सामने ना पूछें, आपकी जो भी परेशानी है आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम में जरूर आएं। और अब हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि कोई साथी जो अगर किसी ने हैंडरेस किया है, वो स्वास्थ्य को लेकर इस साल कोई अच्छा कमिटमेंट करना चाहता है, वो जरूर अपनी बात को यहाँ रखे, तो उसके लिए एक दो लोगों का आप ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सभी के हैंड्स डाउन कर दिए हैं। आप अपना अगर कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हैंड रेज करें और आपको बिल्कुल इनवाइट किया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो प्लीज आप कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये सामूहिक मीटिंग है तो सबके प्रश्नोत्तर यहाँ पे तो नहीं दिए जा सकते, आपको जैसा कि पता ही है। तो हम कृष्णनाथ जी को इन्वाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर, जय RCM। मैं कृष्णनाथ मोरे कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हमारे एक गुरु कोपन्ना सर और सक्सेना सर माध्यम से और आपके माध्यम से सर मैं सीख रहा हूँ, और मैं न्यूट्रीशन का मुझे बहुत अनुभव आ गया है। पहला अनुभव आ गया है कि मेरी शुगर कम हो गई है, और दूसरा अनुभव आ गया है कि मेरी बहन दीदी की ऑपरेशन रुका है। उमन दिया 3 महीने में उसका ऑपरेशन किया था, पिशवी करने का डॉक्टर ने सलाह दिया था, लेकिन मैंने उसको दिया, थोड़ा हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है सर, हम बहन को दिया, तीन महीने में दिया, और उसका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। और मैं सर न्यूट्रीचार्ज पर हर महीने डायमंड करता हूँ, और 25,000 पीवी किया है, और मैं सर हर रोज न्यूट्रीचार्ज खाता हूँ, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि बाकी सारे लोगों को कवर कर सके। आप सभी लोग अपने मन में संकल्प ले सकते हैं कि आपको
अगर अच्छी आयु जीनी है, एक लंबा लाइफ स्पैन आपको बिताना है, स्वस्थ लाइफ स्पैन, तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते रहें और प्रमोट करते रहें। ये हमारी जो इंडस्ट्री है ये कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है, ये न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, न्यूट्रास्यूटिकल्स पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनके प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करेंगे तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ये हमारी सबकी मनोकामना है। आज के सेशन में आप सभी लोगों ने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आपसे इन्हीं सेशंस में दोबारा से। तब तक के लिए जय आरसीएम, अगर सर का आदेश हो तो इस मीटिंग को ही बाइंड अप करना चाहेंगे। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे ये वीडियोस देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। इस सिस्टम की जान है ये प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स की जितनी ज्यादा डीप नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप लेते रहेंगे उतना ही ज्यादा ग्रो करते रहेंगे। तो आप यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन लें और उन इन्फॉर्मेशन को फील्ड में यूज करें। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सर। थैंक यू।